पर एक बाउंड्री के अंदर मजाक उड़ाए तो समझ में आता है, वो बहुत सारे रिलीजियस बातों पे भी मजाक उड़ाता है। तो गाइस जब अदनान शेख बिग बॉस के घर से इविक्ट हुए थे तो उस पर मुनव्वर फारूक ने अपना रिएक्शन दिया था और अदनान शेख को ट्रोल किया था और अदनान शेख के बारे में काफी कुछ कहा भी था ट्विटर स्पेस लाइव पर। लेकिन अभी अदनान शेख ने अपने ब्लॉग वीडियो में मुनव्वर फारूकी की उस बात को लेकर के मुनव्वर फारूकी को रिप्लाई दिया है और कुछ कहा है। तो क्या कहा अदनान शेख ने, चलिए मैं आप लोग को उनके ब्लॉग वीडियो का पार्ट दिखाता हूँ। अच्छा, अपना मुनव्वर से कुछ हुआ क्या? अपना मुनव्वर वीडियो एक आया था, मुनव्वर से तो कुछ नहीं हुआ उसने पहले। अच्छा हाँ, वो 07 डेज वाला देखा वो देखा मैंने, वो क्लब हाउस वाला। हाँ हाँ, वो तो मैं भी हल्के में लिया, चलो ठीक है। हाँ, कॉमेडी करता है। उसने बोला था डैश में नहीं है चलाजू तो उसको बताने चाहते हैं कि अगर वो भी डोंगरी से है तो अपन भी धरावी से। बेटा गाली देने पे आएंगे ना तो कान से खून निकल आएगा। और उसका काम है कॉमेडी करना। देखो अभी वो चलती में चढ़ते रहता है, बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ाता है, पर एक बाउंड्री के अंदर मजाक उड़ाए तो समझ में आता है। वो बहुत सारे रिलीजियस बातों पे भी मजाक उड़ाता है, कोई भी रिलीजन को नहीं छोड़ता है। और उसने इस्लाम का भी मजाक उड़ाया था 4 शादी पे कि ओ इस्लाम, उसके 4 अफेयर बाहर आ गए बिग बॉस के शो में। सारी उम्र में जो तेज बड़े आ रहे हैं, उसका काम है ये पुराना कॉमेडी करने का। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कौन सही लगता है, अदनान शेख या फिर मुनव्वर फारूकी? आप लोग इनमें से किसको सपोर्ट करते हो, इस बारे में आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।